हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम फिफ्थ क्लास की किताब से सबक द वर्ल्ड इन अ वॉल का उर्दू में ख़ुलासा करेंगे और इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे तो आइए सबसे पहले इसका खुलासा सुनते हैं ये सबक जराल्ड डरल की सवान हयात मेरा खानदान और दूसरे जानवर से मखूज है जराल्ड जानवरों के मुताले में माहिर था दस साल की उम्र में जराल्ड अपने बहन भाइयों और माँ के साथ ग्रीस यानी यूनान के शहर कोर्फू अपने बड़े भाई के साथ रहने के लिए आया था और यहीं से उसे जानवरों को पकड़ने और उन्हें पालने का शौक़ हुआ इस सबक़ में हम कुछ ड्रामाई और हमें कुछ ड्रामाई और हंसा देने वाले वाकयात के बारे में बताया गया है जेराल्ड जिस घर में रहता है उसके बागीचे के इर्द गिर्द एक पुरानी दीवार होती है जिसमें मुख्तलिफ़ के जानवर रहते हैं इस दीवार में बहुत से छेद होते हैं और मुख्तलफ़ के जानवर और कीड़े मकोड़े इन्हीं छेद में रहते हैं कुछ जानवर शिकार करने के लिए रात को निकलते हैं और कुछ दिन को एक दिन जेराल्ड एक मादा बिच्छू पकड़ लेता है जिसके पीठ पर उसके कई बच्चे बैठे होते हैं जेराल्ड इन्हें पकड़कर माचिस की डिब्बिया में बंद करता है और इन्हें ड्राइंग रूम में रख देता है इतने में उसकी माँ सबको खाने के लिए बुलाती है खाना खाने के बाद उसका बड़ा भाई लेरी सिगरेट पीने के लिए ड्राइंग रूम में जाता है और जैसे ही वो सिगरेट जलाने के लिए माचिस खोलता है तो सारे बिच्छू डिब्बे से बाहर आते हैं और घर में शोर मच जाता है फिर ये सारे बिच्छू खाने की मेज़ पर फैल जाते हैं और आखिर में उन्हें चमच से इकट्ठा करके मादा बिच्छू की पीठ पर रखता है और उन्हें वापस दीवार पर छोड़ आता है पेज नंबर सिक्स पर कॉम्प्रिहेंशन ए का पहला सवाल है वेयर डज जेराल्ड हंट फॉर एनिमल्स एंड वाई इज इट अ गुड प्लेस टू फाइंड दम द आंसर इज जेराल्ड हंट फॉर एनिमल्स इन एन ओल्ड वॉल सराउंड्स हिज़ गार्डन इट इज अ गुड प्लेस टू फाइंड एनिमल्स बिकॉज मैनी डिफरेंट क्रीचर्स लिव इन क्रैक्स ऑफ द वॉल दूसरा सवाल है मेक टू लिस्ट ऑफ एनिमल्स अंडर द एनिमल्स डेट जेराल फाइंड ड्यूरिंग द डे एनिमल्स डेट जराल फाइंड एट नाइट इसका जवाब आपको दूसरे पैराग्राफ में मिल सकता है इसका आंसर है एनिमल्स डेट जेराड फाइंड ड्यूरिंग द डे हंटिंग वेस्ट कैटरफिलर्स स्पाइर फ्लाइज ड्रैगन फ्लाइज और लेजर्ड्स एनिमल्स डेट जेराल फाइंड एट नाइट थर्ड्स गैक्स क्रैन क्रैन फ्लाइज मौथ्स A The third question is, explain who the following characters are and find information about what happens to them in the text. One: Larry, Two, Roger. Larry. Larry is Gerard's older brother. He talks a lot. He smokes and thinks the matchbox is one full of matches. He flings his arm out when he sees the scorpion he does not like gerard's love of animals. the shock of the incident makes him scared of matchbox. roger. roger is a pet dog. gerard likes him and feeds him at mealtimes, even though he is not supposed to. he barks wildly when the incident happens. gerard takes him on a walk after the incident. the fourth question is, what does gerard think the female scorpion is wearing? what gives her that appearance? इसका आंसर है, जेराल थिंक्स द फीमेल स्कॉर्पियन इज वेयरिंग अ पेल फर कोट द मास ऑफ टाइनी टू हर हर बैक बॉक्स एंसर है जेराल फोर गेट्स अबाउट द स्कॉर्पियस बिकॉज हिज मदर कॉल्स फॉर लंचिंग लंच एंडीडिंग रॉजर क्वेश्चन सिक्स What happens to Gerald's mother during the chaos at the end of lunch? Answer: Margot tries to throw water at the scorpions and misses. Gerald's mother is soaked by water. She gets so shocked that she is left gasping and unable to speak. Question 7: Why does Gerald stay away from the family in the afternoon? Answer: Gerald stays away from the family in the afternoon because he wants to give them time to relax and forget about the incident at lunchtime. Question 8 What are the repercussions of the incident? Answer The repercussions of the incident are that Larry develops a phobia of matchboxes and his mother decides to stop Gerald from exploring the animal world by getting him a tutor. कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में सवाल नंबर नाइन और सवाल नंबर टेन से पहले लिखा हुआ है कि ये सवाल थोड़े से मुश्किल है ये मुश्किल इसलिए है कि इन सवालों के जवाब आपको इस सबक में नहीं मिलेंगे बल्कि आपको इस सबक़ के बारे में सोच कर इनके जवाब खुद से लिखने पड़ेंगे सवाल नंबर नाइन है क्वेश्चन नाइन वाई डू यू थिंक दैट दिस चैप्टर इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल तो अगर आप सोचें तो इस चैप्टर का नाम ये इसलिए रखा गया है कि एक दीवार में जानवरों की एक पूरी दुनिया दिखाई गई है बयान की गई है तो इसका जवाब हम लिखेंगे द चैप्टर इज कार्ड द वर्ल्ड इन वॉल बिकॉज डरल डिस्क्राइब्स अ होल वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स लाइफ इन इट देर आर मेनी डिफरेंट क्रीचर्स लिविंग इन द एंशंट वॉल टू एंस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू दान सेंटेंस इज आई कंप्लीटली फोगोड अबाउट माई एक्साइडिंग न्यू क्रीचर्स क्वेस्न ए फोट एंड वट डिस्ट्रैक्ट हेम Answer. Gerald forgot his captures and lunch distracted him. Question B. Why did he capture the creatures? Answer. He captured the creatures because he wanted to see the young scorpions grow up. Question C. Where were the captured creatures? Answer. The captured creatures were in the matchbox. Question D. What happened next? Answer. Larry thinks that the matchbox is full of matches. He opens it while talking and the scorpion climbs out onto his hand. He gets a big shock and flings the scorpion onto the table, which makes everyone panic and things become chaotic. Section B, page 7 Working with Words Use the following words in sentences of your own to show that you understand what they mean. यू विल फाइंड द वर्ल्ड्स इन द स्टोरी अच्छा यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है इन अल्फाज के मानी आ, समझ लीजिए और फिर इनको जुमलों में तलाश इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए पहला वर्ल्ड है बल्जिंग। बल्जिंग जब कोई चीज़ भर जाती है और थोड़ी सी स्वेलिंग शुरू हो जाती है उसके बाहर की तरफ निकल आती है उसे बलजेंग कहते हैं रिलंकटन रिलंक इसका मतलब है जब आप ना चाहते हो कोई काम करते हो इन रैपचट का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना सरेप्टशसली का मतलब है खामोशी से या छुपके से ओब्लिवियस का मतलब है बेखबर या अन है है रहने वाले जानवर या लोग जो एक ख़ास जगह पर रहते हैं डाउटलिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा स्लो होना खन का मतलब है जो कागज़ के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं जब शादियाँ होती है या ऐसे कोई और तकरीब होती है और लोग बच्चे वो लोगों पर पहनते हैं उनको खन कहते हैं अच्छा मैंने इन वर्ड्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश की है लेकिन बेहतर यह होगा कि आप लोग ख़ुद से इनके जुमले बनाएं बल्जिंग हर बेगज वर् बल्जिंग विध शॉपिंग यानी उसने उतनी इतनी शॉपिंग की हुई थी कि उसका बेग जो बैग था वो बैग थे वो उससे उबराए थे रिलक्टेंट ले रिलई एक्ड द सेकेंड पोजिशन इनरेप्चर्ड देवर इनरेप्चर्ड बाय देअर सन्स परफॉर्मेंस सरप्टिशियसले ही सरप्टिशियसली हैड अ लुक इन देंसर बुक ओब्लीवियस द स्टूडेंट्स ओब्लिवियस ऑफ द न्यू एग्जाम रूल इनहेबिटेंट्स अ सी इज अ प्लेस ऑफ मिलियंस ऑफ इनहैबिटेंट्स डाउट लाइन स्टॉप डाउट लेंग यू विल बी लाइट फॉर स्कोर कॉन्फिटी द वेदर वॉज कवर्ड इन कॉन्फिटी फैट सेवन सेक्शन बी क्वेश्चन टू कलेक्टिव नाउन अच्छा ये सवाल अटम्प्ट करने से पहले हम कलेक्टिव नाउन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं कलेक्टिव नाउन जो है ये ऐसे नाउन हैं जो लोगों या चीज़ों के ग्रूप को डिस्क्राइब करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर आपके भाई बहन माँ बाप सब मिलकर फैमिली बनाते हैं तो आप जितने भी आपके बहन भाई माँ बाप सारे अफराद है ये मिलकर फैमिली कहलाते हैं ऐसे यहाँ पे नाउंस दिए गए हैं और उनके सामने वो लफ्ज़ दिए गए हैं जो उन नाउंस को एक यूनिट बनाता है आपको इनको मैच करके अपनी नोटबुक्स में लिखना है आइए अब इन कॉलम्स को आपस में मिलाते हैं अरेंज ऑफ हेल्स A colony of ants, a heap of stones, a flock of sheep, a herd of cows, a pack of hounds, a litter of puppies, a shool of fish, a deck of cards, a bunch of keys, a pack of wolves. Page 8, Section C Learning about language, parts of speech. Aapko yaad hoga. इंटरजेक्शन से पहले आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पिछ, पिछली जुमात में कर चुके हो आइए इनको दोहराने की कोशिश करते हैं नाउंस जो थिंग्स पर्सन और प्लेसेस होते हैं उनके नामों को नाउंस कहते हैं यानी द नेम्स ऑफ एनी थिंग पेंसिल कैट वर्क एंड नोट बुक्स ये इस एग्जांपल्स हैं वर्ब एक्शन और स्टेट को कहते हैं यानी वो वर्ड्स जिनसे किसी एक्शन का या किसी स्टेट का इजहार होता है जैसे गेट कम कट ओपन और लाइक एडवर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के साथ लगाए जाते हैं और उनकी मीनिंग में तब्दीली लाते हैं जैसे साइलेंटली बैडली रियली एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के बारे में हमें बताते हैं जैसे स्मॉल बिग गुड वेल और ब्लू वगैरह प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउंस की जगह लगते हैं जैसे आई यू ही शी एच प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउंस को जुमले में किसी और वर्ड के साथ जोड़ते हैं जैसे एट एन ऑफ ऑन आफ्टर अंडर कन्जंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो क्लाजिज़ सेंटेंसेज या दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं जैसे कि बट एंड वायन पेज एट पर सेक्शन सी में क्वेश्चन टू में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है इस पैराग्राफ को पढ़ें इसमें से नाउंस, प्रो नाउंस और एडजेक्टिव्स इकट्ठे करें और उनको अपनी नोटबुक में लिखिए इस पैराग्राफ में नाउंस uh, ये हैं मर्लिन, वजट वैलीज, वेल्स लंडन मैन बिशप्स चर्च, स्टोन, एनविल सोट प्रो नाउंस ये हैं हीम नो वन वे एजेक्टिवस ये हैं डीप ग्रीन फेमस ग्रेट शाइनिंग इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो जब आपको कोई दर्द मिलता है या जब आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हो गुस्सा हो जाते हो तो आपकी ज़बान से आपके मुंह से एक लफ्स निकलता है इस लफ्स को इंटरजेक्शन कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर आपको दर्द होता है तो आप कहते हो आउच तो ये आउच लफ्ज़ जो है ये इंटरजेक्शन है जैसे आप खुश होते हो तो अंग्रेजी में आप हुर्रा कहते हो और ये हुर्रा लफ्ज़ जो है ये इंटरजेक्शन है क्वेश्चन फोर अंडरलाइन द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग अब अगर आप ए को देखिए तो इसमें सबसे पहला जो लफ्ज़ है डब्ली एच ई डब्ल्यू ये इंटरजेक्शन है और इसको प्रनाउंस करते हैं ओह देट वॉज अ गुड वन वी हैव लॉस द बैटल अलास अलांस इंटरजेक्शन है उ ड्रैन जब आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप डब्ल्यू जी एच उघ ये कहते हो हुर्रा वी वन द मैच यानि हुर्रा खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है तो खुशी के वक्त आप ये कहते हो जब जो जो पहला लफ्स था डब्ल्यू एच ओ पुह और इसको कभी कभी फू भी प्रनाउंस करते हैं तो जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या आप तक जाते हो तो आप इस लफ्स का इस्तेमाल करते हो ये भी इंटरजेक्शन है